नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवान की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे और सबके जीवन में खुशहाली रहे, धन और धान्य की वृद्धि हो। तो जय माता दी। आगे आप सभी को पता है कि चैत्र नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, 9 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक। जो भी इसमें जो ये समय है नवरात्रि का, इसमें कोई ऐसा सिद्ध उपाय यदि व्यक्ति कर ले तो माँ की कृपा सदैव अपने बच्चे के ऊपर रहती है और हर दुविधा को, हर परेशानी को, हर मानसिक तनाव को माँ चामुंडा दूर कर देती है। तो माँ चामुंडा का एक ऐसा प्रयोग मैं आप सभी के सामने लाया हूँ जिसको यदि आप नवरात्रि में करते हैं 9 दिन तक, तो आपको अद्भुत रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। पूर्ण विश्वास के साथ इसको करना है और श्रद्धा के साथ करना है, माँ के प्रति पूर्ण भक्ति के साथ इस उपाय को करना है। तो नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा। मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 ऑकल्ट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता है। आज जिस उपाय की मैं बात करने जा रहा हूँ, यह माँ चामुंडा का ऐसा अद्भुत उपाय है जिसको मैंने पहले भी अपने कई क्लाइंट्स को बताया है और जिन्होंने किया है उनको इसका 9 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो चुका था। यानी उसका प्रभाव, उपाय का प्रभाव उन व्यक्तियों को, उन क्लाइंट्स को 9 दिन के अंदर दिखा है कि कैसे माँ चमत्कार करती है, कैसे अपने भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण कर देती है। यदि लौंग के इस उपाय को कोई भी व्यक्ति करेगा तो क्या क्या समस्याएं दूर हो सकती हैं? मानसिक तनाव यदि आपको है, यदि आपको कोई परिवार में समस्या है या परिवार में कलह क्लेश रहता है या आपका कोई शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है या फिर आपको जॉब में कोई तरक्की नहीं मिल रही है, कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में नुकसान हो रहे हैं, नया काम करके भी बहुत ही परेशानियां हो रही हैं, पैसों का लॉस हो रहा है, या कोई कर्जा है, या कोई आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या कोई मकान खड़ा करना चाहते हैं, कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई भी आपकी समस्या है, यदि आप 9 दिन तक पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस रामबाण उपाय को आप करते हैं तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस उपाय के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि चैत्र मास की अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली है। तो इसमें जिस दिन पहला नवरात्रा है, यानी माह के पहले दिन की बात कर रहा हूँ, 9 तारीख की, उस दिन आपको एक लाल वस्त्र छोटा सा अपने मंदिर में नहा धो करके बिछा देना है। उस लाल वस्त्र के अलावा आपको क्या चाहिए? माँ दुर्गा देवी की कोई प्रतिमा होगी, कोई फोटो होगी या मूर्ति होगी, उसमें आपने कुमकुम से माँ को तिलक लगाना है, उसके बाद स्वयं भी अपने माथे पे लगा लेना है। कभी भी जब हम देवी देवताओं को तिलक लगाते हैं उसके बाद ही हमको उसी तिलक को अपने माथे पे लगाना चाहिए। इससे उस प्रतिमा की जितनी शक्ति है जो माँ आपको देना चाहती है वह आपको प्रदान करेगी। तो तिलक लगाएं, चावल लगाएं, अपने स्वयं के भी लगाएं और माँ के हाथों में, अगर हो सके तो अगर मूर्ति है तो उनके हाथों में, कलाई में आपको मौली बांधनी है। उसके बाद कुछ मीठा रख देना है शुरुआत पहले दिन। अब आपको एक लाल वस्त्र माँ के चरणों के सामने किसी थाली में या ऐसे ही बिछा सकते हैं। 9 लौंग आपको लेने हैं, बिल्कुल फूल वाले, कोई टूटे फूटे ना हो। उनको अपने बाएं हाथ में रख लें और एक लौंग को उठा करके माँ का ध्यान करते हुए इस मंत्र को बोलते हुए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। यदि आप इस मंत्र को बोलने में असमर्थ होंगे तो गलत ना बोलें, तो उसमें आप यह बोल सकते हैं, ओम दूम दुर्गाय नमः या फिर ओम दुर्गाय नमः। जो मैंने नवार्ण मंत्र बताया है इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जैसे आप शुद्ध मंत्र है वैसे ही बोलें। मैं आपको लिख करके भी बता दूंगा। तो आपने 9 बार एक लौंग के ऊपर बोलना है इस मंत्र को। इसी प्रकार उसको उठा करके आपने लाल वस्त्र के ऊपर रख देना है।
अब दूसरा लौंग उठाना है, फिर तीसरा उठाना है, सभी लौंग के ऊपर 9 बार आपने नवान मंत्र या ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम दुर्गाय नमः मंत्र बोल करके माँ का ध्यान करते हुए उन्हीं के सम्मुख रख देना है लाल कपड़े के ऊपर। और अब माँ के सामने दोनों हाथ जोड़ करके जब आपकी 9 की 9 लौंग अभिमंत्रित हो चुकी हैं, उसके बाद माँ के सामने आपने हाथ जोड़ना है, प्रार्थना करनी है, अपना नाम और गोत्र बोलना है, या जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उनका नाम और गोत्र बोल देना है। आप अपने बच्चे के लिए भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपका बच्चा आपकी सुनता नहीं है या किसी गलत रास्ते में चला गया है या पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, तो बच्चे का नाम लेकर के गोत्र बोल करके माँ के सामने आपको प्रार्थना करनी है। बस इतना करके माथा टेक करके आपने खड़े हो जाना है और अगले दिन 9 लौंग फिर से इसी प्रकार से आपने बिल्कुल साफ लेने हैं और उसी प्रक्रिया से 9 लौंग को एक एक करके अभिमंत्रित 9 बार बोल करके माँ के सम्मुख रखने हैं। इसी प्रकार से आपके पास 9 दिन के अंदर जितनी भी लौंग हो जाएंगी आपने वह लौंग क्या करना है, अब यहाँ पर कई लोग सवाल करेंगे उसके बाद क्या करना है, तो मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से पहले ही बता देता हूँ कि उस 81 लौंग का आपको क्या करना है। अब आप काउंटिंग करो, 81 को फिर प्लस कर दो तो कितनी बन जाती हैं, 9, 8 और 1 9। तो ये जो 9 वर्ड है ये अपने आप में एक चमत्कारिक है। आपने वह लौंग एक एक करके जिस व्यक्ति के लिए आपने यह किया है उस व्यक्ति को प्रतिदिन खिलाना शुरू कर दें या अपने घर में ही उसको कूट करके उसका एक पाउडर शेप में बना लें और उसको चाय में या किसी भी चीज़ में खाद्य पदार्थ में डाल करके खाना शुरू कर दें। यानी माँ का वह प्रसाद है। आपने परिवार में भी, यदि परिवार में कलह क्लेश है तो परिवार में क्या करना है, सभी को वितरण करना है, अपने भोजन में या चाय में डाल करके सबको पिलाना है, जिससे सबको बुद्धि प्राप्त होगी और परिवार में से कलह क्लेश दूर हो जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए उन 981 लौंग को आपने पोटली में बांध करके उसी लाल कपड़े में अपने कैश बॉक्स में रख देना है। यदि आप नौकरी में हैं तो 1 लौंग रोज़ अपने मुख में रख करके अपनी नौकरी सर्विस में जाएं तो आपको बहुत लाभ होगा इसका, आप चमत्कार स्वयं देखना इसका। जो बच्चे हैं उनको भी आप ऐसा कर सकते हैं कि उनको किसी प्रकार से किसी फॉर्म में, जो विद्यार्थी हैं पढ़ने में असमर्थ हैं या पढ़ाई नहीं हो पाती, कोई चीज़ याद नहीं रहती या बिगड़ रहे हैं बच्चे, तो उनको आपने कूट करके किसी चीज़ में कूट करके उनको खिलाना है किसी तरीके से। यदि आपका कोई शत्रु है तो शत्रु के लिए आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, शत्रु का ध्यान करते हुए लौंग अपने मुंह में रोज़ रखनी है। आप देखेंगे वह शत्रु आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। प्रतिदिन आपने मुख में रखनी है, बाद में उसको स्पिट कर लेना या चबा लेना। चबाना सबसे बेहतर रहेगा क्योंकि माता का प्रसाद है वो। स्पिट ना करके आप उसको चबा करके अंदर निकल जाएं पानी के साथ। तो यह आज आपको जानकारी दी है। यदि फिर भी आपको कोई असुविधा लगी हो, कोई जानकारी इसमें कोई कमी रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। इसके अलावा मैं यह चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति, जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं तो जय माता दी कमेंट अवश्य करें। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को, इस जानकारी को मैं यहीं विराम देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।